हर साल हम दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाते हैं। इस साल दिवाली 24 अक्टूबर को है और जहां तक लोगों को यही पता है कि गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को है, मगर हम बता दें कि इस बार ऐसा नहीं होगा। गोवर्धन पूजा इस साल दिवाली के अगले दिन नहीं मनाई जाएगी। जी हां, इस साल दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके चलते गोवर्धन पूजा का त्योहार 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र के घमंड को चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी। उसके बाद से ही ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने खुद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था और तभी से गोवर्धन पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का एक अपना ही महत्व है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। पूजा के वक्त गोवर्धन पर धूप, दीप, फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। गोबर से गोवर्धन जी को लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाया जाता है। नाभि की जगह पर दिया रखा जाता है और इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल डाले जाते हैं। पूजा करने के बाद गोवर्धन जी की 7 बार परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। इस मौके पर मशीनों और कारखानों की पूजा की जाती है। अब क्योंकि इस साल दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, ये आंशिक ग्रहण है और देश में कई जगहों पर दिखेगा भी, इस वजह से दिवाली की गोवर्धन पूजा एक दिन टल गई है। हालांकि 26 अक्टूबर को भी लोग उसी जोश के साथ गोवर्धन पूजा करेंगे। उस दिन पूजा का समय सुबह 6:36 से 8:55 तक रहेगा। वहीं 25 अक्टूबर शाम 4:18 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 26 अक्टूबर शाम 2:42 पर खत्म होगी।